हेलो फ्रेंड्स, जय सोमनाथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम आ गए हैं सोमनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में, और सोमनाथ महादेव के दिव्यता और भव्यता के दर्शन करने के बाद आज हम आपको ले जाने वाले हैं सरदार मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में, जो कि जाना जाता है उसके पंजाबी, चाइनीज एंड साउथ इंडियन फूड के लिए। और अगर आप भी हमारी तरह सोमनाथ मंदिर के पास ही कोई जानदार और शानदार रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपकी खोज यहाँ पे खत्म होने वाली है, क्योंकि हम आपको लेके आ गए हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो आपके टेस्ट बड्स को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए हम यहाँ के मैनेजर से बात करते हैं, जानते हैं उनसे इस रेस्टोरेंट के बारे में। हेलो, नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? दीपाली राजा। दीपाली? दीपाली राजा। दीपाली राजा। तो मैम, हम लोग सरदार रेस्टोरेंट में आए हैं और इसके बारे में हमने इंटरनेट पर भी चेक किया था, रेटिंग्स भी देखी थी, तो आप हमें कुछ बता सकती हैं इसके बारे में? कब से ऑपरेशनल है सोमनाथ में? कब से चल रहा है? 14 साल से चल रहा है। ओके, और यहाँ की क्या स्पेशलिटी रहती है? पंजाबी फूड ज्यादा, पंजाबी और साउथ इंडियन। ओके, हमने दोनों वही ऑर्डर किया हुआ है, और जो अंकल है उन्होंने हमें सजेस्ट किया है उसके हिसाब से हमने ऑर्डर किया है। ओके, तो अभी हम आपका देखेंगे फूड कैसा रहता है और उसके हिसाब से हम अपनी रिव्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम कोई तीर्थ स्थल पे दर्शन करने जाते हैं, तो दर्शन होने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें कोई एक अच्छी जगह पे खाने को मिल जाए, जहाँ पे क्वालिटी भी हो और टेस्ट भी उतना ही अच्छा हो। तो हमारे ड्राइवर वीरम भाई ने हमें यही सजेस्ट किया था कि मंदिर से करीबन 500 मीटर की दूरी पे ही एक सरदार रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खाना मिल जाएगा, क्योंकि हमारे साथ बच्चा भी है तो हमें क्वालिटी भी उतनी ही कंसीडर करनी पड़ती है। सो हमने कहा लेट्स ट्राई दिस रेस्टोरेंट। यस पूनम, आई टोटली अग्री विथ यू। और जब भी हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली विथ किड्स, बच्चे साथ में होते हैं, माता पिता साथ में होते हैं, तो हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है कि फूड की वजह से कोई भी बीमार ना पड़ जाए, फूड की वजह से कुछ लेने के देने ना हो जाए। और इसीलिए हमने इसकी गूगल में भी रेटिंग चेक करी थी, साथ साथ वीरम भाई ने भी हमें बोला, और इस हिसाब से हम लोग आ गए सरदार रेस्टोरेंट। और देखिए, मेरे मॉम डैड ने मसाला पापड़ भी ऑर्डर कर दिया है, और साथ ही साथ आयुष्मान का मसाला डोसा, एक्चुअली पेपर मसाला डोसा भी आ चुका है। तो ये देखिए, पेपर मसाला डोसा आयुष्मान की डिमांड है, और हमारा फूड अब आने की तैयारी। यस, एग्जैक्टली। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, आयुष्मान की डिमांड होती है डोसा खाने की, तो इस बार फॉर अ चेंज हमने मंगवाया था पेपर मसाला डोसा, जिसकी साइज देख के ही समझ में आ गया था कि फुल डोसा तो ये फिनिश करने से रहा, इसीलिए इसका जो बचा हुआ डोसा होगा वो हम एंजॉय करेंगे। और डोसा देखने से ही पता चल रहा है कितना क्रिस्पी है, कितना यम्मी है। तो साउथ इंडियन लवर्स, आपको भी यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे रेस्टोरेंट में। और ये आ रहा है हमारा फूड। रेस्टोरेंट में कोऑर्डिनेटर की एडवाइस पे हमने ऑर्डर किया था सरदार स्पेशल पनीर एंड सरदार स्पेशल मिक्स वेजिटेबल। उसके साथ हमने ऑर्डर किया था दाल फ्राई एंड जीरा राइस, साथ ही में हमने ऑर्डर किया था बटर रोटी। सारी सब्जी, दाल फ्राई, जीरा राइस, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, टेस्ट तो हम कैसे ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा सही था। एंड लुक एट इट्स प्रेजेंटेशन, जिस तरीके से डिश को प्रेजेंट किया गया है, इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। एग्जैक्टली पूनम, और देखो, हमने ऑर्डर किया था सरदार स्पेशल पनीर की सब्जी करी थी, और सरदार स्पेशल मिक्स वेजिटेबल किया था। आप दोनों ही सब्जियां देख सकते हैं, साथ ही साथ हमने चीज़ नान भी ऑर्डर किया था। देखिए कितनी प्यारी सब्जी बनाई है इन्हें। और मैं पूनम को बहुत बोलता हूँ कि यार, घर में हमें रेस्टोरेंट जैसी मुझे वो एक फील आ जाए, वैसी स्मेल आ जाए, वैसा टेस्ट आ जाए, पर हम कितनी भी कोशिश करें वैसा घर में नहीं बन पाता है। और देखिए, ये देखिए जरा, चीज़ नान हमने ऑर्डर की थी, इसके अंदर एक विशेषता ये भी है कि ऊपर से भी चीज़ डाला गया है, अंदर भी चीज़ की स्टफिंग की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने बटर रोटी भी ऑर्डर की थी, तो आप बटर रोटी भी देख सकते हैं, और ये तो बहुत ही प्यारी सब्जी इन्होंने बनाई थी। तो बेसिकली रेस्टोरेंट में जो बनती हैं, जो ऑथेंटिक सब्जियाँ बनती हैं, इनका टेस्ट इसलिए होता है, मुझे
पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़े बड़े लेवल पे बनती है और चूल्हे का जो टेस्ट आता है इनका, वो एक अलग चीज होती है। हम कितनी भी कोशिश करते हैं पर घर में वो हम नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये यूज करते हैं या तो फिर इनकी कुकिंग की कोई मेथड डिफर करती है जिसकी वजह से इनका जो टेस्ट है वो हमारे घर के खाने में आ ही नहीं पाता है। देखा जाए तो मेनली दो या तीन टाइप की ग्रेवी यूज होती है, ब्राउन ग्रेवी, रेड, ग्रीन ग्रेवी। अगर स्पाइसी सब्जी बनानी है तो दे यूज रेड ग्रेवी, अगर ग्रीन वेजिटेबल के लिए बनाई जा रही है तो दे यूज ग्रीन ग्रेवी। पर यही है कि ग्रेवीज में जिस तरीके का इंग्रेडिएंट यूज होता है वही इन सारी क्यूजीन को बहुत ही ज्यादा जायकेदार बना देता है। यस, यही एक सीक्रेट है एक्चुअली। ये स्मोकी टेस्ट जो आता है इन पंजाबी फूड में, इनकी ग्रेवी में, इनकी सब्जी में, वो इतना जबरदस्त होता है। और देखो सॉल्ट वगैरह एकदम मिनिमम, ये जितना जरूरत है उतना ही डालते हैं, जबकि हम जब घर में बनाने बैठते हैं तो हम एडिशनली बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में ओवर एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को बिगाड़ देते हैं। तो देखिए अभी दाल तड़का आने वाला है और आई मस्ट से ये देखिए जीरा राइस भी साथ में। एक्चुअली जीरा राइस आयुष्मान के हिसाब से हम सिर्फ राइस ही ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि ये भाई जीरा राइस खाने में भी बहुत ज्यादा नखरे करते हैं। बट एज फार एज दाल तड़का इज कंसर्न, आप देखिए ये कितना अच्छे से तड़का लगा। एक्चुअली दाल तड़का का मेन जो चीज है वो उसका तड़का ही है। अगर तड़का अच्छे से लग गया ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट उतर के आता है। और अभी आप देख सकते हो मम्मी दिखा रही हैं कि इसकी कितनी थिकनेस है, कितनी कंसिस्टेंसी है, और बहुत ही शानदार फूड सर्व किया है इन लोगों ने। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने फूड को। और अब हम आ गए वीडियो के अंत में जहाँ पे हम मिल रहे हैं वन ऑफ द स्टाफ मेंबर जिनका नाम है जोपेंद्र। अनफॉर्चुनेटली ये बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, लेकिन ही वॉज वेटिंग फॉर अस टू बी रिकॉर्डेड इन दिस वीडियो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उनसे भी मिलकर। आप यहाँ के मैनेजर हैं? यस सर। ओके, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही टेस्टी खाना था। हमने दो डिशेज ऑर्डर की थी, एक आपके होटल की स्पेशलिटी है शायद, क्या नाम है, पनीर स्पेशल वेज। एक हाँ, एक पनीर स्पेशल था, एक वेज स्पेशल। ओके, तो बहुत बढ़िया था और साथ में दाल तड़का भी बहुत ही बढ़िया आपका लगा मुझे। और आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, यहाँ के स्टाफ के बारे में कैसा है, क्या है, कब से आप? 13 साल से है। ओके, एक ही शेफ है, एक ही एक ही शेफ है आपका, पर वो बहुत अच्छा खाना बनाता है आई मस्ट से। तो चलिए अभी जब हम अहमदाबाद पहुंचेंगे तो आपका ये ब्लॉग हम डालेंगे और आशा करते हैं कि सोमनाथ में जो भी पब्लिक आती है अहमदाबाद से और गुजरात से और बाहर से भी, आउट ऑफ गुजरात से भी, तो वो आपके यहाँ पे एक बार खाने को जरूर टेस्ट करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। कहाँ जाओ सर आप? मैं अहमदाबाद से ही हूँ जी। थैंक यू। और गाइस, जैसे मैं बार बार बोलता आया हूँ पुराने वीडियोस में भी कि जितना अच्छा होटल का स्टाफ होगा, जितने अच्छे इसके मेंबर्स होंगे, जितने अच्छे इसके मैनेजर होंगे, उतना ही अच्छा होटल होने वाला है, उतना ही टेस्टी फूड हमें मिलने वाला है। और धवल भाई वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर जो बहुत ही अच्छे से होटल सरदार को संभाल रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। तो अगली बार जब भी आप सोमनाथ मंदिर आते हैं और इस दुविधा में होते हैं कि कहाँ सबसे अच्छा क्वालिटी फूड, टेस्टी फूड मिलेगा, तो बस 500 से 800 मीटर दूर है सोमनाथ मंदिर से होटल सरदार, यहाँ पे जाना ना भूलें, इनके बहुत ही अच्छे स्टाफ से मिलना ना भूलें और यहाँ का फूड एंजॉय करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। काइंडली लाइक आर वीडियो, शेयर आर वीडियो, कमेंट ऑन आर वीडियो और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। बेल आइकॉन दबाने से हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे एज सून एज पॉसिबल।
तो चलिए छोड़ जाता हूँ आपको सोमनाथ के इन पावन दृश्यों के साथ, और महादेव से बस यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सभी पे सदैव इसी तरह से बना रहे, और जब भी धर्म रक्षा की जरूरत पड़े हमारे कदम कभी भी पीछे ना हटें। इसी उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग वीडियो में। हर हर महादेव, जय सोमनाथ, सनातन धर्म की जय।